lie down here. एक सेकंड उठो. अच्छा ठीक है. मैं कह रही थी कि ये जो आप मुझे ट्रीटमेंट देंगी तो इससे मैं गोरी हो जाऊंगी ना. आहिस्ता आहिस्ता. नहीं कंसल्टेशन में मैंने आपको बताया था ना कि ना कि थोड़े ट्रीटमेंट्स में आपको सेशंस चाहिए होते हैं. एक ट्रीटमेंट से आपको फर्क पड़ता है 20-30%, लेकिन उससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. नहीं लेकिन ट्रीटमेंट अभी होगा और आप इतना महंगा ट्रीटमेंट है तो मैं गोरी तो हो जाऊंगी ना, मतलब जैसे गोरी होती हैं लड़कियां. जी कुछ तो गोरापन आएगा, ग्लोइंग, थोड़ी ब्राइटनिंग. नहीं कुछ आए आप स्टार्ट तो करें. नहीं लेकिन कुछ नहीं, आए आए कुछ नहीं. जैसे आपने वो नीलम मुनीर देखी आपने, मुझे बिल्कुल नीलम मुनीर जितना गोरा कर दीजिएगा. अच्छा ठीक है आ जाए. हाँ डेट पक्का हो जाऊंगी ना. आई विल ट्राई माय बेस्ट. लेकिन उससे मैं कभी गोरी ही नहीं हुई. आपको पता है ना गोरा तो ज्यादा अच्छा होता है. जी अब ये जो स्कार्स हो गए हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगी. स्कार्स के लिए हमारे पास डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसके अंदर डिपेंड करता है कि कौन से स्कार्स हैं. आर दे सर्जिकल स्कार्स हैं या फिर एक्नी स्कार्स हैं या फिर कोई पिगमेंटेड है, पिगमेंटेशन है, डिपेंड करता है. तो उसके लिहाज से वी डू ट्रीटमेंट्स. ट्रीटमेंट्स में आपके आती हैं लेजर्स हैं, ब्राइटनिंग फेशियल्स हैं. तो ये सबसे अभी स्कार्स चले जाएंगे ना. हल्का सा लाइटनिंग इफेक्ट आएगा लेकिन टाइम लगता है, सेशंस की जरूरत होती है आपको. एक ट्रीटमेंट से इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आता. लेकिन ट्रीटमेंट अभी करवा रही हूँ तो स्कार्स पूरे खत्म हो जाने चाहिए. थोड़ा लाइट हो जाएंगे. मैं आपको बताया था कंसल्टेशन में भी कि चीज़ों के लिए आपको सेशंस की ज़रूरत होती है और उसके लिए आपको थोड़ा सा विजिट ज़्यादा करने पड़ते हैं. बट ये अपना टाइम थोड़ा सा इनका शॉर्ट हो जाता है. लेकिन जाने में कीजिएगा कि अभी ट्रीटमेंट करें वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए अभी. अच्छा ठीक है ओके. एक्चुअली डॉक्टर मैं चाहती हूँ कि मेरे लिप्स बिल्कुल काइली जेनर जैसे हो जाए, तो आप ना मेरे लिप्स थोड़े यू नो बोटॉक्स कर दीजिएगा. ओके और जो मेरी नोज है ना मुझे लगता है मेरी नोज बहुत बड़ी लगती है, तो आप ना इसके साथ भी प्लीज कुछ कर दें. थोड़ी स्ट्रेट और थोड़ी ना अच्छी लगती है. ओके एंड मुझे ना बचपन से बहुत शौक था कि मेरी बिल्कुल शार्प जॉ लाइन हो, तो प्लीज डू समथिंग फॉर माई जॉ लाइन एज वेल. ओके और कुछ. नहीं वो मेरे कजन ना मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं. वो कहते हैं जब मैं ऐसे करती हूँ ना तो मेरे ना माथे पे ना वाईफाई बन जाता है. तो कैन यू डू समथिंग विद बोटॉक्स कुछ यहाँ के मेरी लाइंस भी ना बने. वैसे इतनी जरूरत नहीं है. यू आर वेरी यंग, यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स, बोटॉक्स और फिलर्स एट अ यंग एज. लेकिन जितना कर सकूंगी आई विल ट्राई. लेकिन जो जरूरत है वो. वैसे यू हैव अ गुड फेस एंड अ अच्छा कट है, पतला भी है, नोज भी अच्छी है, लिप्स भी लिप्स थोड़े एनहांस कर सकते हैं अगर आप कहती हैं तो. काइली जेनर ने भी तो करवाया ना. शी लुक्स सो अमेजिंग, शी लुक्स सो ब्यूटीफुल. और मैं कुछ ज्यादा तो नहीं करवा रही. आई जस्ट वांट गुड नोज एंड बिग लिप्स और ये जरा चिजल हो जाए और बस इधर कर दीजिएगा और इधर कर दीजिएगा और इधर कर दीजिएगा. अच्छा सो अभी वी हैव डन अ कॉन्टूरिंग ट्रीटमेंट फॉर योर फेस. थोड़ा सा फेस लिफ्ट एंड टाइटनिंग, नॉन इन्वेसिव, नॉन सर्जिकल फॉर योर रिंकल रिमूवर. और लिफ्टिंग हो गई, थोड़े रिंकल्स के ऊपर काम किया है एंड टाइटनिंग. पता नहीं चल रहा. अभी थोड़ा टाइम दें आप. रिजल्ट इनहेंस होने में थोड़ा टाइम लगेगा. कितना टाइम? 24-48 hours में एटलीस्ट आपको स्टार्ट पता चलेगा, लाइक स्टार्ट होगा पता लगना. एंड देन आफ्टर सम मोर मंथ्स वो और इनहेंस होगा. तो ये ऐसे खिंच जाएगी ना स्किन मेरी? हाँ अभी भी खिंची है थोड़ी, लेकिन और खिंच जाएगी ना. हाँ और खिंचेगी. हाँ नहीं वो एक्चुअली मुझे ना अपना फेस बिल्कुल बिल्कुल ऐसा चाहिए. हो जाएगा आपका चिजल. और मैं थोड़ी यंग लगूं, मतलब I'm like I'm 60 but I should look 40 or 35.
ओके, हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस भी चाहिए होता है। ग्रेट, सो वी आर डन विद द, क्या क्या किया है हमने, हाइड्राफेशियल किया है, कुछ कस्टमाइज ट्रीटमेंट्स किए हैं मैंने आपके साथ, फॉर सम ग्लो, ब्राइटनिंग, अनइवन स्किन टोन को ट्रीट किया है, और सम रेड लाइट ग्लो थेरेपी एंड सम बीबी ग्लो भी किया है, लेकिन इन टू विजिट्स वी हैव डन दीज ट्रीटमेंट्स। ठीक है, मुझे डिस्काउंट मिलता है? हाँ मिल जाएगा, कुछ डिस्काउंट आपका बनता तो है, मतलब 10%। आप इतनी अच्छी डॉक्टर हैं, मैंने आपको इंस्टाग्राम पे आपके इतने सारे पोस्ट देखे हैं, आपको फेसबुक पे भी देखा है, और मैंने आपको इतनी सारी सेलिब्रिटीज के साथ देखा है, मैं इसीलिए तो आपके पास आई हूं। अच्छा, जितना दे सकेंगे मैक्सिमम वो दे देगी आपको। मेरी रिसेप्शन ना, उसकी भी स्किन बहुत खराब है, मैं उसको भी आपके पास लेकर आऊंगी। okay. मुझे कह रही थी कि वो आपके पास आना चाहते हैं, मुझे ना डिस्काउंट दीजिएगा 40%। 40 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, we have a celebrity discount. मैं दोबारा भी आऊंगी ना। celebrity discount है ना, हमारा range है ना 20-30%, which is pretty good. I think that should be enough. But I will come again and I promise मैं कहीं नहीं जाऊंगी, please थोड़ा सा discount. Okay. Hey guys, so this was our video, और इस वीडियो से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो different different patients आते हैं उनको भी patience की जरूरत होती है, क्योंकि ये doctor हैं, कोई magicians नहीं। इतना discount मांगते हैं और उनको treatment का result foreign चाहिए होता है, which is not possible. So you need a session. If you like this video, so don't forget to like, comment and share, subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon for the notification. Or please. अपने आप पे भी रहम करें और डॉक्टर्स पर भी रहम करें। थैंक यू, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।